वेलकम टू एस्टेक एंड ट्रेडर्स, थिंक बियॉन्ड लिमिट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़ेरॉक्स मशीन में से क्लच यूनिट को बाहर कैसे निकालते हैं और उसकी सफाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप हीटर यूनिट को बाहर निकाल लें, ड्रम यूनिट को बाहर निकाल लें, इसके चार्जर को बाहर रख लें और उसके बाद आप इसके टैंक यूनिट के दो स्क्रूज़ सामने से ओपन करके इसकी बॉटल बाहर निकाल के और अंदर जो बोतल के साथ दो वायर्स लगी हैं वो ओपन करके टैंक को बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, और याद रहे कि टैंक यूनिट को बाहर निकालने के बाद टैंक यूनिट को अच्छे तरीके से आपने साफ़ करना है, क्योंकि अगर आप क्लच यूनिट सिर्फ साफ़ करेंगे और टैंक यूनिट को साफ़ नहीं करेंगे तो जैसे ही टैंक यूनिट वापस लगाएंगे तो टैंक यूनिट का सारा टोनर क्लच यूनिट के ऊपर गिर जाएगा। तो जो भी चीज़ आप बाहर निकालें और वो टोनर से भरी हो तो उसको लाजमी साफ़ करके फिर वापस लगाएं। और डुप्लेक्स यूनिट को बड़े आराम से यहाँ से आप जग उतार कर बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसकी बेस टूट जाती होती है। इसको आराम से बाहर निकाल कर आप एक प्लेन सरफेस पर रख देंगे, कहीं खड़ा नहीं करेंगे और कहीं लटाएंगे नहीं, सिर्फ प्लेन टेबल पर इसको रख देंगे। और मशीन की कोरोना वायर की जो बेस है इसके नीचे दो स्क्रूज़ लगे होते हैं, एक स्क्रू ब्राउन वायर के साथ और एक स्क्रू ये दो रेड वायर्स के नीचे लगा होता है। इन दोनों को जब आप ओपन करेंगे तो कोरोना वायर को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसकी वायर्स पीछे सप्लाई में जा रही होती हैं, पावर पैक के ऊपर लगी होती हैं। तो सिर्फ इसकी बेस को उतार कर आप इधर साइड पर कर देंगे। वैसे मैंने इसका एग्जिट यूनिट बाहर निकाल दिया है, अगर आप एग्जिट यूनिट बाहर नहीं निकालना चाहते तो सिर्फ इसको फोल्ड कर दें और उसके बाद आप क्लच यूनिट को आराम से खोल सकते हैं। और क्लच यूनिट का ये स्क्रू उतार कर बहुत आराम से इसको आपने अपनी तरफ खींचना है। इसका एक ये ग्राउंड का जैक है और एक इसका पावर का जैक है जो कि इसके नीचे लगा होता है जो क्लच यूनिट को मूव करता है। ये दोनों जैक उतारेंगे और साइड डोर ओपन करके, बाईपास ओपन करके फिर आप इसको थोड़ा सा अपनी फ्रंट की तरफ खींचेंगे और फिर राइट साइड पे मूव करके इसको बाहर निकाल सकते हैं इजीली। और इसको ब्रश से साफ़ करने से पहले आप इस पर ब्लोअर मार लें, प्रेशर ब्लोअर जो होता है, एयर ब्लोअर जो होता है, उससे साफ़ करके उसके बाद इसको ओपन करें और एक डेंटल ब्रश और एक बड़ा ब्रश जो होता है उससे लेकर आप इसको साफ़ कर सकते हैं। और अगर इन गियर्स पे बहुत ज़्यादा इंक जमी हुई है और बहुत हार्ड हुई हुई है तो आप थिनर या मिट्टी का तेल ब्रश पे लगा के उससे भी इन गियर्स को साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मशीन क्लीन है, सिर्फ टोनर इस पे गिरा हुआ है और कुछ भी इसमें ग्रीस या जंग कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये इजीली साफ़ हो रही है। मैं आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि गियर्स सारे ओपन करके शाफ्ट को कैसे साफ़ करना है, इनके बुश को कैसे साफ़ करना है और कौन सी चीज़ यूज़ करनी है उसके बाद।
और इस बेस को ऊपर से बिठाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसके लॉक में इसको बिठाएं, सिर्फ ऊपर रख के इसको पेच न लगा दें, क्योंकि अगर आप इसको अपनी स्लाइड में नहीं बिठाएंगे तो आपका जो A6 का छोटा पेपर होता है वो चलने में प्रॉब्लम करेगा, वो स्लाइड हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा एक साइड से, क्योंकि वो साइड छोटी साइड से जब आप उसको स्लाइड करके नहीं बिठाओगे तो वो फिक्स नहीं होगा और उसी साइड से A6 पेपर आपका जो ID कार्ड का पेपर होता है वो चलता है। और अक्सर आप भाइयों में से पूछ रहे होते हैं कि ये रबड़ जो होते हैं ये किस चीज़ से साफ़ करें, तो इस रबड़ को आपने ना ही थिनर से साफ़ करना है ना ही मिट्टी के तेल से साफ़ करना है, ये सिर्फ गीले कपड़े से या सर्फ वाले कपड़े से आप सर्फ पानी में मिक्स करके उस पानी से आप इसको साफ़ करें, क्योंकि केमिकल से भी ये ख़राब हो जाएगा, थिनर केमिकल होता है, ठीक है, अगर वो यूज़ करेंगे तब भी इसकी ऊपर वाली कोटिंग ख़राब हो जाएगी और मिट्टी के तेल से भी ये स्लिप कर जाते हैं। तो कोशिश करें कि साफ़ पानी से या सर्फ वाले पानी से इसको साफ़ करें, उससे बेहतरीन साफ़ होते हैं। और अब इस यूनिट को आपने वापस भी वैसे ही लगाना है जैसे आपने उस यूनिट को बाहर निकाला है, राइट साइड से अंदर डालेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, और जैसे ही अपनी बेस में बैठ जाएगा इसको बैक साइड पे पुश कर देंगे, नीचे वाला जैक लगाएंगे, ग्राउंड वाला जैक लगाएंगे और सामने से फ्रंट पे एक लंबा पेच ग्राउंड की वायर के साथ अटैच करके लगाएंगे। और इसको जोड़ने के बाद साथ ही आप चार्जर की बेस को दोबारा से मूव करके इसकी पोजीशन पर ले आएंगे और इसके स्क्रूज़ को टाइट कर देंगे, नीचे वाले स्क्रू को ग्राउंड वायर के साथ और दूसरे स्क्रू को दो रेड वायर्स के नीचे, और इसको जोड़ते हुए इस बात का ध्यान रखें कि ये पीछे टाइट करके बैठा हो, उसके बाद अपने स्क्रूज़ को लगाना है। और इसके बाद बेस में कोरोना वायर को आराम से बिठा दें और इसके बाद आप कोरोना वायर को ऊपर फिक्स करके क्लच यूनिट के साथ डुप्लेक्स को आराम से बिठा सकते हैं। डुप्लेक्स यूनिट को अपने साइड से लेफ्ट साइड के कट में और राइट साइड के कट में बिठाएंगे तो ये स्लाइड होके आगे चला जाएगा। इसके दो जक हैं, दो जक्स को लगाएं पीछे करके एक स्क्रू को आप इसमें टाइट कर देंगे, और ये स्क्रू उतारते हुए और लगाते हुए दोनों दफ़ा ध्यान रखना है कि अगर आप इसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये डैमेज भी हो जाता है, जो इसकी छोटी सी बेस होती है जहाँ पर स्क्रू लगा होता है। उसके बाद आप ड्रम यूनिट के लॉक को ओपन करके टैंक यूनिट को आराम से बिठा कर इसके दो स्क्रूज को लगा के और वायर्स को लगा दें। और इसके बाद सारे यूनिट्स को वापस लगा दें, ड्रम यूनिट को भी और हीटर यूनिट को भी और इसकी टोनर बॉटल को भी, सब कुछ वापस लगाकर मशीन के फ्रंट कवर को बंद करें और प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।